हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल से। मैं सीमा, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब के वीडियो को आगे बिल्कुल ना बढ़ाएं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं कि आप अपने घर पे फेस स्क्रब कैसे करें, वो भी नेचुरली चीजों से, बिना भी कुछ खरीदे, घर के सामान से, घर के इंग्रेडिएंट्स से। मैं आज फेस स्क्रब बताने वाली हूं। अभी का बारिश का मौसम चल रहा है, हम लोग जो वर्क गर्ल्स होती है, ऑफिस गर्ल्स होती है, वो लोग अगर बाहर, कॉलेज गर्ल्स होती है, वो लोग अगर बाहर जाती हैं तो उन लोगों को बहुत ही सारा धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सबसे बहुत ही झेलना पड़ता है। कितना भी मेकअप कर लो, धूल मिट्टी आकर के चिपक ही जाएगा। तो फेस हम लोगों का, जिनकी ऑयली स्किन है तो उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अब हम लोग आज फेस स्क्रब लेकर के आई हूँ मैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और तो सबसे पहले फेस स्क्रब करने से पहले आ जाती है स्टीमिंग का। हाँ, फेस पे भाप लेना भी बहुत जरूरी है। फेस पे पहले भाप लेंगे तो भाप लेने से हमारे फेस में जितने भी रोम छिद्र हैं वो सारे खुल जाते हैं, और स्क्रबिंग करने से हमारे जो बंद खुला हुआ पोर्शन होता है वो बंद हो जाती है। तो ये स्टीमिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना होगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, स्टीमिंग करने के लिए आपको एक कॉटन वाला हैंकी लेना है। इस तरह से आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और इसे मैं गर्म पानी में डुबो करके इसका जो पानी था निचोड़ ली थी, देखिए इस तरह से, और अपने चेहरे पे डाल लेना है। तो गाइज, स्क्रबिंग करने से पहले स्टीमिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। दिन भर पॉल्यूशन और भागदौड़ के दौरान त्वचा की सफाई और चेहरे की चमक खो जाता है। ऐसे में त्वचा की फ्रेशनेस को बरकरार रखने और उसे साफ रखने के लिए चेहरे की स्टीमिंग करना बेहद ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं, सर्दियों में जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाती है, वो स्टीम लेते हैं, यानी कि चेहरे पे भाप लेते हैं। चेहरे पे भाप लेने से चेहरे में खिलापन रहता है, चेहरे पर जमी गंदगी से कई बार रोम छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं, और स्टीमिंग लेने से छिद्र खुल जाते हैं और सारी गंदगी निकल जाते हैं। इसके अलावा चेहरे की डेड सेल्स भी स्टीमिंग से हट जाती है। चेहरे पर बहुत अधिक ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की जिन्हें प्रॉब्लम्स रहती है, उनके लिए स्टीमिंग बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। तो गाइज, एक सिंपल प्रोसेस मैंने बताया स्टीमिंग लेने का, चेहरे पर भाप लेने का बहुत ही ईजी तरीका है ये। अगर आप चाहते हैं तो एक बॉयल में उबला हुआ पानी लेकर के भी, पूरा गर्म पानी लेकर के आप उससे अपने फेस को कवर कर सकते हैं। इससे चेहरा एकदम पूरा फ्रेशनेस फील होने लगेगा। इस तरह से फिर पोंछ लेना है। तो गाइज, अब आ जाते हैं स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग के लिए मैं यहाँ एक छोटा चम्मच राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ, यानी कि चावल का आटा। ये रंगत को निखारता है और इससे टैनिंग की प्रॉब्लम्स भी दूर होती है। और फिर लेना है एक टमाटर, मैं इसे हाफ पीस में टमाटर कट कर ली हूँ, और टमाटर के जूस से स्क्रब बनाना है। तो यहाँ पे राइस फ्लोर में टमाटर का जूस ऐड कर दे रही हूँ, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, और इसे अच्छे से मिला देना है। इसमें पानी ज़रा सा भी ऐड नहीं करना है, टमाटर के जूस से ही स्क्रबिंग कर बनाना है स्क्रब जो है। टमाटर में एंटी एजेंट गुण होते हैं, टमाटर में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। टमाटर से पिंपल्स की प्रॉब्लम्स भी दूर करने में मदद मिलती है। फिर इस तरह से गाइज अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना एकदम स्क्रब वाला। तो अब ये स्क्रब बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे अपने पूरे फेस में अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया था मैंने, बस आपको इसी तरह से स्क्रब बना लेना है। तो गाइज, ये पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करने के बाद अपने चेहरे को स्क्रब करना है। चावल में फेरुलिक एसिड मौजूद होता है, ये स्किन को ब्लीच करता है। चावल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, चावल का आटा जो है टैनिंग होने से बचाता है। और हाँ, अगर आपका ऑयली स्किन है तो चावल का आटा जो है आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल को सोखता है। ऑयली स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये उन सब के लिए बेस्ट चीज़ है। टमाटर जो है नेचुरल सनस्क्रीन है, टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट और लाइकोपीन नामक गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही यह हाइपर पिगमेंटेशन और बढ़ती उम्र के साथ होने वाले त्वचा के धब्बों को भी कम कर देता है। यह छिद्रों से निकलने वाले अतिरिक्त ऑयल को भी सोख लेता है। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए स्क्रब बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से अपने पूरे फेस में स्क्रब कर लेना है। नोज़ पे जो है ज़्यादा खासकर ध्यान देना, क्योंकि नोज़ पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं। तो अब देखिए, ये स्क्रब हो गया है, और अब अपने चेहरे को वॉश कर लेना है।
गाइज, अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं मेरा फेस पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेमेडी है। ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। स्क्रबिंग जो था आपने देखा, कुछ भी चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं की थी, सिंपल इंग्रेडिएंट्स से मैंने आज जो स्क्रबिंग था वो बनाया। और फेस में स्टीमिंग जो है भाप लेना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है, और फेस की स्टीमिंग लेने से फेस का जो बंद पोर्स होता है वो ओपन हो जाता है, और स्क्रबिंग करने से जो जितनी भी सारी गंदगियाँ रहती है वो आसानी से निकल जाती है। तो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के बगल के बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ले जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।